हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों भाई, अभी सुबह सुबह के टाइम पर भाई मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ। और ये देखो भाई, आज आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। ये देख लो भाई इस गौर से देखिए इस चेहरे को भाई, इसका स्कूल लग गया दीक्षांत का। और ये जा रहा भाई अभी स्कूल, इसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ मैं स्कूल में। स्कूल लग गया है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये देखो भाई, ये बाकी जो हंसी है ना भाई, ये ऊपर ऊपर की हंसी है, बाकी मन से इसका मन नहीं कर रहा जाने के लिए स्कूल में, है ना। जाएगा क्या, कहाँ जाना है, स्कूल है। ये देख लो भाई, छुट्टियों काम कर लिया है, छुट्टियों काम सारा कर दिया कंप्लीट। तो देख लो भाई साहब, ये देखो इसका चेहरा देखो एक बार, उतरा हुआ है क्योंकि आज स्कूल जाना है इसको। और ये देख लो पापा जी के पीछे हो रहा है ये देखो, ये देखो, ये देख लो, है ना। तो अभी इसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ स्कूल। चले कहाँ चले, ये देख लो, अभी इसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ स्कूल में। चलो तो गाइस का चेहरा देखो ये देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है परौठा। इसमें भाई परौठा, ये देख लो, आज ये स्कूल में लेके जा रहा है भाई, छुट्टी खत्म होने के बाद परौठा। और सब्जी क्या है, हाँ क्या है इसमें, है क्या सब्जी है, है क्या है, क्या आलू, आलू की सब्जी है, हैं। स्कूल में जाने का मन कर रहा है, कर रहा है क्या, जाएगा ये देखो, ये बताएगा नहीं तो चलें, चलो फिर चलें, चलें, चलो। स्कूल का नाम क्या है, सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये देख लो, इसको नाम भी पता है भाई साहब स्कूल का। चलें फिर, चलो फिर आओ आओ, पकड़ो हाथ पकड़ो। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं भाई स्कूल, ये देख लो। तो गाइस अभी भाई दीक्षांत को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ स्कूल। दीक्षांत ऊपर देख, ये देखो कहाँ जा रहा है, सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जा रहा है भाई, ये देखो। दोस्तों भाई दीक्षांत को स्कूल में छोड़ने के बाद भाई मैं गया था सीधा खेत में, और भाई अभी लेके आ चुका हूँ बरसेन, ये देख लो भाई। आज भाई मैं स्कूटी ले गया था, भाई को पता नहीं भाई क्या हो गया, ये देख लो स्कूटी ले गया था भाई आज मैं, और स्कूटी के ऊपर भाई लेके आया हूँ। तो भाई अभी इसको काट लेता हूँ भाई, इसको काट के फिर वहाँ पर डाल आता हूँ, और फिर भाई बाकी थोड़ा मोटा काम बचेगा वो फिर बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल टाइम हो रखा भाई 2:30 यानी कि 2:30 बज चुके हैं, और अभी भाई 5 बजे, हाँ 4:30 4:30 बजे से लगभग भाई भैंसों का मतलब चारा डालने का टाइम हो जाएगा, फिर डाल देंगे। अभी भाई काट लेता हूँ फिलहाल, ये काम तो भाई कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अभी काटना भाई इसको शुरू कर देता हूँ मैं, फिर चलेंगे भाई भैंसों के लोटे में, और वहाँ दिखाऊंगा भाई आपको। आज मैंने हमारे ना भैंसे भाई गाय भैंसे बाहर नहीं निकाली, क्योंकि आज भाई काफ़ी ठंड है, इसीलिए भाई लोट के अंदर ही बंदी पड़ी है। तो आपको दिखाऊंगा फिर मैं, पहले ये काट लेते हैं, साथ में भाई बुरशीन लेके चलेंगे कट्टे भर भर के, फिर आपको वैसे भी दिखा दूंगा मैं प्लॉट के अंदर कैसे बंधी हुई है ना। तो चलते हैं अभी, पहले काट लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई चारा चूरा काट के मैं आपको वैसे दिखाऊंगा, तो भाई चारा मैंने काट दिया है, और अभी दोस्तों आ चुका हूँ भाई प्लॉट में। तो ये देख लो भाई, यहाँ पर बंधी हुई है सारी भैंसें, आज हमने बाहर नहीं निकाली। और ये देखो भाई पल्लड़ भाई हमने अच्छी तरह से बांध रखा है, चारों ओर बंद कर रखा है भाई, ताकि ठंडी हवा भीतर ना आए। और ये देख लो भाई गाय यहाँ पे बंधी हुई है, ये दो गाय, एक गाय वो बंधी हुई, और उस साइड में भैंस भाई एक, तीन और चार, सात गायें भैंसे बंधी हुई है भाई अभी फिलहाल प्लॉट के अंदर। तो भाई अभी इनको डालना है भाई चारा। तो ये देख लो भाई यहाँ पे बंधी हुई है सारी भैंसे और गायें, आज भाई काफ़ी ठंड है इसलिए मैंने बाहर नहीं निकाली। तो ये देख लो दोस्तों, ये भाई पानी का टप पड़ा है यहाँ पे, इसमें पानी वगैरह पीती है ये, ये देख लो, ये देखो कैसे देख रही मेरी ओर। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ भाई वापस प्लॉट पे, घर पे गया था भाई चारा लेने के लिए, ये देखो भाई काट कूट के, और ये देखो ये पड़ा कट्टा, इसके अंदर भाई लेके आयो कट्टे के अंदर, और ये देखो ये कौन आया हुआ है, ये भाई शूट करेगा मेरे को, देख लो ये देख लो, ये शूट कर रहा है भाई, ले मर जाना, मैं नहीं मरता ऐसे नहीं मरता जब तक भाई सक्सेस नहीं हो जाता ना यूट्यूब पे, जब तक मरता नहीं मैं। ये देख लो भाई, ये मेरे को मारने के लिए आ रहा है, देख लो
कमेंट में भाई इसके लिए जरूर लिखना, कुछ ना कुछ इस बंदे के लिए ना कुछ लिखना जरूरी है कमेंट में, इसको बताना है कि मैं मरना चाहता हूँ या नहीं। ये देखो ये मेरे को मारने के लिए आया चंद्रमोहन, तो देखो भाई अति मोतेसी हो जाती है। काम कर करके भाई अभी थोड़ी देर में ये तो एक कट्टा भर लेके आया हूँ भाई मैं, और एक कट्टा और लेके आना भाई, इतना ही और पड़ा है। तो अभी भाई पहले इसको इन भैंसों को भाई तूड़ी ताड़ी घेर देता हूँ एक बार, फिर भाई हरा चारा डाल दूंगा। ये देखो एक भैंसियरी ये देख लो शर्मा, ये देखो शर्मिली भैंस देख लो भाई, ये देखो कि आप देख सकते हो भाई साहब सारी भैंसों को मैंने चारा डाल दिया है। और भाई वो देखो जो लास्ट के अंदर बंदी हुई ना भाई, वो भैंस भाई दूध वाली है, यानी कि उसका दूध है भाई 10 लीटर दूध है। और भाई उसको मैंने खल डाली है, एक ये अंदर बंदी हुई दूध वाली भैंस दिखाता हूँ आपको अंदर जाके, ये देख लो एक ये अंदर यहाँ पे बंदी हुई है और एक भाई वो लास्ट में है। और ये देख लो दोस्तों सभी भाई मस्त अपना खाना खा रही है, ये देख लो इन सभी को भाई मैंने हरा चारा डाला है। गांव ये इस साइड में जो ये भाई 1.5 लाख की 2 भैंसें बंधी हुई है, ये और ये गायें, और ये पीछे की ओर एक ये खड़ी और एक ये रही, इनको भाई सारों को मैंने हरा मतलब चारा डाला है ये बरसीन। और भाई उन 2 भैंसों के लिए खल मिलाई है भाई मैंने, ये देखो यहाँ पे पड़ी इस बाल्टी के अंदर। तो अभी भाई अपना काम कंप्लीट हो चुका है और ये भाई अपना मस्त खाना खा रहे हैं, देख लो भाई अभी टाइम हो चुका है भाई 4 बज चुके हैं बिल्कुल नेट टाइम 4 बजा भाई अभी। तो ये देख लो सारे मतलब अपना खाना खा रहे हैं, ये पता नहीं दोनों क्यों नहीं खा रहे, देखो खा तो रहे हैं भाई लेकिन मेरे को देख रही है, पता नहीं ये क्या कर रहा है ना। तो इनके पास चल के पूछते हैं, ये देख लो भाई ये देखो कैसे मतलब टक्कर ले के आ रही भाई मेरे को मारने के लिए, ये शायद सोच रही है भाई क्या कर रहा है भाई, ये देख लो हमारी वीडियो बना रहा है ना। और इनको कोई फिक्र नहीं भाई, गायों को कोई फिक्र नहीं होती, ये बिल्कुल ये देखो ये शांत स्वभाव की होती है, मतलब जो देसी गायें होती है ना भाई वो बिल्कुल शांत स्वभाव की होती है। और जो भाई नहीं मतलब जो डेयरी के अंदर भाई कभी कभी भैंसे लेके आते हैं, जो जैसे कि ये भाई 1.5 लाख रुपये वाली ये 2 झोटी है भाई ये भैंसे हैं, ये नहीं है भाई इनको अभी तक पता नहीं है। तो ये देख लो सभी भाई मस्त अपना खाना खा रहे हैं, क्या बात है। शाम के टाइम भाई थोड़े 2 घंटे के बाद यानी कि 6-6:30 बजे टाइम उस जो परली वाली भैंस है ना भाई उसका भाई दूध निकालेंगे, और जो इस साइड में कमरे के अंदर बंदी हुई भाई उसका भी 2-2.5 घंटे के बाद है ना। तो भी भाई हम मस्त खाना पीना खा लेने देते इनको। तो भाई अभी चलते हैं अपने घर चलें, चलो। तो ये देखो भाई साहब अभी नीर के भाई भैंसों को चारा डाल के भी आ चुका हूँ भाई घर पे। तो ये देखो दीक्षांत और अंकुश ये खेल रहे भाई यहाँ पे क्रिकेट झाड़ू से। तो दिखाता हूँ अभी दीक्षांत भाई स्कूल को आए, इसके लगभग 1 घंटा हो गया, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, कई दिन हो गए मेरे को इंतज़ार करते हुए, और भाई ये देख लो नया मेहमान हमने पकड़ लिया है आज, ये भाई काबू में आ चुका है। और अभी मैं इसको भाई बाहर कहीं छोड़ने जा रहा हूँ सेफ जगह पे, और ये देख लो भाई काफ़ी बड़ा है चूहा, पता नहीं चूहा है या चूही है, तो दिखाऊँ आपको क्या है। ये देख लो ये रहा, ये देख लो गौर से देखो इस चेहरे को है ना। तो भाई इसको बाहर छोड़ के आता हूँ मैं, ये देख लो भाई ये देखो इसके अंदर क्या कर रही है। ये देख लो दोस्तों इसके अंदर भाई मैंने सेब लगा के रख रखा था ताकि इसको मैं पकड़ सकूं, और ये दोस्तों आज पकड़ में आ गया, ये देख लो शरारती तत्व। तो भाई इसको बाहर छोड़ के आता हूँ मैं, चलो।
चलें। ये देखो पंजे देखो इसके भाई, कहाँ छोड़ गया हूँ भाई इसको मैं, इसकी जगह भी मतलब कोई सेफ जगह पे छोड़ के आता हूँ इसको मैं। तो दोस्तों इसको इसकी सेफ जगह पे छोड़ देता हूँ भाई। ये देख लो इसके अंदर है, ऊपर चिपा हुआ भाई, ये देखो ये रहा है ना, ये देखो ईशांत भी है यहाँ पे। तो अभी इसको मैं बाहर छोड़ देता हूँ प्लॉट में, गेट खोलना, ये देखो इसको बाहर छोड़ देते हैं। देख लो भाई अभी आ चुका हूँ भाई प्लॉट के बाहर वाली साइड, और भाई यहाँ छोड़ देता हूँ इसको मैं। ये देख लो यहाँ सेफ रहेगा ये, देख लो इसको अभी छोड़ देते हैं ठीक है। तो भाई शांत छोड़ रहा है इसको, छोड़ दो छोड़ दो, पिंजरा खोल दे, अब पीछे हो जाए, पीछे की ओर आ जाए पीछे। हाँ ये देखो भाई पिंजरा खुल चुका है, ये देखो वो भाग गया, वो गया भाई, वो गया अंदर, पिंजरा बंद कर दे। तो चूहे को भाई उसकी जगह पर छोड़ा है भाई, वहाँ पे वो सेफ रहेगा। और भाई देखो रसोई के अंदर था, और एक बार फिर से मैंने पिंजरा लगा दिया ताकि कोई एक आधा और हो तो भाई इसके अंदर फंस जाए, और फिर भाई वहीं छोड़ आऊँ वापस उसको मैं। तो उसको तो भाई छोड़ा है मैं, और वो सेफली भाई चला गया अंदर झाड़ियों के अंदर चला गया, तो वो वहाँ पे सेफ रहेगा है ना। तो अभी एक आधा और होया तो भाई इसके अंदर ही देखो फंस जाएगा। तो गाइस इसी के साथ भाई व्लॉग का करता हूँ एंड, उम्मीद आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो भाई वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है वो दबा देना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले व्लॉग में, तब तक बाय।